बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद सभी के मुंह से पानी टपकने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हो गया है, तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को एक ऐसी सौगात दे दी जिसके बाद सफर में आपको दही चूड़ा के साथ मछली भात और खीर लड्डू भी खिलाया जाएगा। तो अब कहिए, मुंह में पानी आया ना? चलिए अब खबर को जरा विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि बिहार के लोगों के लिए ट्रेन में सफर के दौरान मिलने वाली मेन्यू में क्या कुछ जोड़ दिया गया है। दरअसल भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC ट्रेन में यात्रियों को दिए जाने वाले खाने के मेन्यू में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि IRCTC अब लंबी दूरी की ट्रेनों में लोकल खाना और नाश्ता यात्रियों को परोसेगा। इसका अर्थ है कि जिस स्टेशन से ट्रेन की रवानगी होगी उस जगह का स्थानीय खाना ट्रेन के मेन्यू में शामिल कर दिया जाएगा। साथ ही यात्रियों को अपने ट्रेवल के दौरान मोटे अनाज का बना हुआ लजीज खाना भी परोसने की तैयारी की जा रही है। रेलवे के द्वारा इसका ट्रायल राजेंद्र नगर नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस में शुरू भी कर दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रेन के मेन्यू में कौन कौन से व्यंजन जुड़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC पटना के अधिकारी ने बताया है कि पटना से दिल्ली चलने वाली तेजस में यात्रियों के रिस्पांस और फीडबैक को देखा जा रहा है। वैसे रेल कोच रेस्टोरेंट में मोटे अनाज के बने व्यंजन लोगों को खास पसंद आ रहे हैं। अच्छे रिस्पांस को देखकर रेलवे जल्द ही ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी ये व्यंजन ट्रेन के अंदर उपलब्ध करा देगा। जैसे दरभंगा से खुलने वाली स्वतंत्रता सेनानी, बिहार संपर्क क्रांति, पवन एक्सप्रेस सहित अन्य कई एक्सप्रेस ट्रेनों में मिथिला का प्रसिद्ध भोजन दही चूड़ा, मखाने की खीर सहित मखाने से तैयार अन्य व्यंजन और मछली चावल परोसा जाएगा। हमारी कोशिश है कि यात्रियों के सफर को आरामदेह और घर जैसा खाना उपलब्ध हो, ये IRCTC का कहना है। IRCTC के संयुक्त प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया है कि बिहार के ज्यादातर लोगों को दही चूड़ा पसंद है, ऐसे में इसे मेन्यू में ऐड करने की तैयारी चल रही है। वहीं मखाना का खीर भी ऐड किया जाएगा। मखाना के खीर में यात्रियों को शुगर फ्री का विकल्प भी उपलब्ध कराने पर विचार चल रहा है। इसे नाश्ते के विकल्प के रूप में आप देख सकते हैं। तो बिहार के यात्रियों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं भारतीय रेलवे के द्वारा दी जा रही हैं और एक बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, क्योंकि भारतीय रेलवे की ओर से IRCTC ने अब जो है खाने के मेन्यू में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। और जिस भी लोकल स्टेशन से ट्रेन की रवानगी होगी उस इलाके का लोकल खाना यात्रियों को परोसा जाएगा। यदि आप मिथिला से सफर करना शुरू करते हैं तो मिथिलांचल का प्रसिद्ध खाना आपके मेन्यू में ऐड होगा, यानी कि मछली भात से लेकर दही चूड़ा तक आपको खिलाया जाएगा। इसके साथ ही मनेर का लड्डू भी इसमें शामिल किया गया है और खीर को भी व्यंजन में जोड़ा गया है। बिहार के यात्री यहां से लंबी लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं, अगर उन्हें घर जैसा खाना ट्रेन में मिलने लगेगा तो वाकई ये कमाल हो जाएगा। बहरहाल देखना है कि कितनी जल्दी भारतीय रेलवे यानी कि IRCTC इस काम को पूरा कर लेता है और बिहार से खुलने वाली तमाम ट्रेनों में बिहार के लोकल व्यंजनों को ऐड कर दिया जाता है। हालांकि कुछ ट्रेनों में इसकी शुरुआत अभी से कर भी दी गई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।